नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। न्यू ईयर आ रहा है, रेजोल्यूशन ज़रूर बना रहे होंगे आप लोग। कम खाना है, ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, पर बॉडी की एक्सरसाइज के साथ साथ दिमाग की एक्सरसाइज भी तो ज़रूरी है ना। दिमाग की एक्सरसाइज करनी है तो बुक्स ज़रूर पढ़िए। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, तेलुगु में पढ़िए, तमिल में पढ़िए, लेकिन बुक्स पढ़िए। हिमाचल वायर में हम अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ते हैं, ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही होती है। हिंदी में उनका रिव्यू करते हैं आपके लिए। उस रिव्यू को जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट बने उस बुक में, आप उसे खरीदें और उसे पढ़ें। आज का हमारा बुक रिव्यू बुक मोसाद। मोसाद दुनिया की सबसे बेहतरीन सीक्रेट सर्विस एजेंसी है। सबसे बेहतरीन है जी, अमेरिका की नहीं है, यूके की नहीं है, ये इसराइल की है। मोसाद के एजेंट्स का दुनिया में होना उतना ही सच है जितना हर चीज की परछाई का होना। परछाइयां है तो हकीकत, पर बस यही तक सीमित है। अब इस बुक की बात करते हैं। ये बुक मिखेल बार जोहर और निसिम मिशाल ने लिखी है। उन्होंने इस किताब में मोसाद की तकरीबन 60 साल की हिस्ट्री को जोड़ा है। ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत सारी बातें जो हमें पता थी और बहुत सारी बातें जो हमें नहीं पता थी वो इस किताब में है, लेकिन ये किताब एक जहनी खुराक है, दिमाग के लिए काम है, दिमाग के लिए एक्सरसाइज है। क्योंकि इस किताब में इजरायली सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद के बहुत सारे वो मिशंस मेंशन्ड है जो बहुत कामयाब रहे, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे, और कुछ ऐसे भी जो कामयाब नहीं रहे। इसलिए ये बुक बैलेंस्ड है। एकदम कोई हीरोइक गाथा नहीं है इजरायली सीक्रेट सर्विस एजेंसी की, लेकिन ये बताया गया है कि ये लोग भी इंसान होते हैं। मैं आपको इस किताब से किसी एक मिशन के बारे में नहीं बताऊंगी। इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि जब ये किताब मैंने पढ़ी, चैप्टर्स में बंटी है ये, हर एक चैप्टर एक मिशन किस तरह हुआ, क्यों हुआ, किस नतीजे पे पहुंचा, ये बताया गया है। अब हर एक चैप्टर या फिर हर एक मिशन में इतना काम किया गया, इतना दिमाग लगाया गया, जाने भी गई, तो कौन से मिशन के बारे में बताऊं और कौन से को छोड़ दूं, ये मैं डिसाइड नहीं कर पाई। इसलिए इस किताब के बारे में बताऊंगी। इस किताब के बारे में एक खास बात ये है कि जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ये कुछ चीज़ें आपकी इमेजिनेशन के लिए छोड़ देगी। इतने बढ़िया तरीके से हर एक मिशन का ले डाउन स्क्रिप्टिंग की गई है। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना जाने कितनी एजेंट्स पे मूवीज बन जाएं और वो सारी हिट भी हो जाएं। हर एक चैप्टर ब्रेन स्टिमुलेटिंग है। मैं आपको थोड़ा सा मोसाद के एक हेड के बारे में बताऊंगी। इनका नाम दोगान था, नाम तो सुना होगा आपने। इन्हें किंग ऑफ शैडोज भी बोलते थे। रूथलेस वर्ड ठीक नहीं होगा क्योंकि अपने शब्दों में उन्होंने इस किताब में बोला है कि मोसाद से पहले जो इनका ग्रुप रिमोन था, वो ऐसे लोगों का नहीं था जो गोली चलाने में खुश रहते हों या फिर किसी को भी मारने में अपनी खुशी ढूंढते हों। उन्होंने कभी किसी बच्चे या औरत पे गोली नहीं चलाई। वो उन लोगों के खिलाफ थे और उन लोगों पे गोली चलाते थे जो सिविलियंस को, बेकसूर लोगों को मारकर अपने होने का एहसास जताना चाहते थे। ये उनके खिलाफ थे। दिमाग से बहुत ही तेज थे ये, लेकिन इनका बचपन खुशगुजार नहीं था। दोगान का असली नाम मीर हुबरमैन है। 1945 में एक ट्रेन में इनका जन्म हुआ जब इनका परिवार साइबेरिया से पोलैंड पलायन कर रहा था। अच्छा देखिए, जब हम मोसाद जैसी एजेंसी के बारे में बात करते हैं और उसके हेड के बारे में बात करते हैं तो एक बड़ी खौफनाक इमेज बनती है ना। लेकिन अपनी जजमेंट और राय बनाने से पहले हर एक इंसान के बारे में अच्छे से खुद जान लेना जरूरी है। जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस बुक के थ्रू सामने आए। जैसे ये एक वेजिटेरियन थे, क्लासिकल म्यूजिक के बहुत शौकीन थे, पेंटिंग और स्कल्पटिंग इनकी हॉबीज थी, तो बहुत पेशेंस रही होगी, और पेंटिंग में रंग इस्तेमाल होते हैं, दिमाग में क्रिएटिविटी, स्कल्पटिंग हाथों का काम, मिट्टी से बुत बनाना, ये किसी क्रूर इंसान की पहचान नहीं है।
इस किताब में आप पढ़ेंगे कि ईरान के न्यूक्लियर मिशन को किस तरह दोगान के दिमाग ने और उसकी टीम ने डिले करवाया, कैसे ईरान के टॉप साइंटिस्ट अचानक से नहीं रहे, कैसे उनके न्यूक्लियर प्लांट्स में ब्लास्ट हो जाया करते थे और कैसे उनके कंप्यूटर्स में वायरस आ जाते थे। मोसाद, वर्ल्ड्स बेस्ट सीक्रेट सर्विस एजेंसी। ईरान का भी न्यूक्लियर पावर होना और नहीं होना बहुत बार उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से डगमगाया। जैसे जब ईरान के सरगना आयतुल्लाह खमीनी बने तब उन्होंने एंटी इस्लामिक करार दिया न्यूक्लियर मिशन को और रुकवा दिया। बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स भी ईरान में डिसमेंटल कर दिए गए थे। लेकिन जब 1980 में ईरान और इराक का युद्ध हुआ, सद्दाम हुसैन ने पॉइजनस गैस इस्तेमाल कर दी थी ईरान के खिलाफ, तब इसके बारे में दोबारा से सोचा गया और शुरुआत की गई। इससे एक बात आप और समझ लीजिए कि ये जो किताब है मुसाद, जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातों के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इस किताब को ब्रेन स्टिमुलेटिंग क्यों कहा। इसलिए कहा, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजों को जानने के लिए आपका मन करेगा। जैसे सोवियत यूनियन, रशिया, चाइना का क्या स्टैंड रहा इस दौरान, अमेरिका को मोसाद ने क्या मदद करी और क्यों मदद करते हैं, ईरान और इराक का युद्ध क्यों हुआ था, किस तरह से हुआ था, मोसाद ने उसमें क्या रोल प्ले किया, ये सारी चीजें जोड़ के इस किताब का जिस्ट बनता है। ये सारी चीजें आपको पता होगी तो ये किताब और इंटरेस्टिंग बन जाती है। और जिन लोगों को ये बातें नहीं पता होगी उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग है, उनके लिए एक नॉन फिक्शन नॉवल बन जाएगी। है तो नॉन फिक्शन बट नॉवल की तरह ही है। कैसे एक एजेंट ने क्या किया, दुनिया में कहीं पे एक प्लेन क्रैश हो जाता है और उसको ड्यू टू बैड वेदर करार दिया जाता है, लेकिन क्या उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनका मरना जरूरी था। तो मोसाद के लिए 2 बुकमार्क्स। 2 इसलिए, बुक तो इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, लेकिन ब्रेन स्टिमुलेटिंग है, बहुत सारी चीजें जाननी होती है। मुझे भी बीच में कुछ चैप्टर्स पे रुक के दूसरे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ा, इसलिए कि मैं उस चैप्टर की कहानी को ज्यादा अच्छे से समझूं। 399 रुपए की किताब है, अमेज़न पे मिलती है। क्रिसमस का मौका है, आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी इतनी सारी ईमेल्स हमें भेजने के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए। जरा माफ कीजिएगा धीरे धीरे रिप्लाई करने के लिए। नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं और विधि जान सकते हैं किस तरह आप हमसे किताबें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।